हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ तीज और न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए हेयर स्टाइल। तो आप देख के ट्राई कर लेना। और है कल तीज, तो कल का ब्लॉग मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको मेरी रूटीन्स और ब्लॉगिंग चैनल और ब्यूटी टिप्स की वीडियोज़ मिल जाती हैं, तो वहाँ पर भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि इस चैनल की तरह वो भी चैनल ग्रो हो पाए और मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ पाऊँ। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए है और तीज और शादी पार्टी के लिए है। तो ये आप बीच की मांग से स्टार्ट करोगे। आप चाहो तो टीका भी सेट कर सकते हो। टीका सेट करने के लिए आपको बीच की मांग निकाल लेनी है, उसके बाद से सिंपली टीका को बीच में अटैच करना है। तो ये वाला टीका ही मैंने उस दिन लगाया था जब मैंने तीज के लिए मेकअप किया था, बट वो उसमें हेयर स्टाइल मैंने नहीं बताई थी, तो आज मैं हेयर स्टाइल बता दे रही हूँ। तो पहले आपको सबसे पहले टीका सेट कर लेना है। आपको जितनी ऊंचाई चाहिए वहाँ पे आप सेट कर दो। मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया है तो प्लीज़ इग्नोर इट, और आप मेकअप के साथ ही ये लुक बनाइएगा। जितना मेकअप भी आप करते हो उतना ही सिंपल मेकअप, ज़रूरी नहीं कि आप हैवी मेकअप कर रहे हो तभी आपका लुक अच्छा आएगा। मुझे बाहर जाना था तो मैं मेकअप नहीं करके जाती हूँ, सिंपल लुक में जाती हूँ, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है। बट आप तीज का लुक बनाओगे या फिर कोई भी नई नवेली दुल्हन है तो हल्की फुल्की मेकअप में तो रहेगी। टीका या फिर भारी ज्वेलरी आपको मेकअप के साथ ही करना चाहिए, वो अच्छा लगता है। ओके, तो आपको यहाँ से इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पर पफ का लुक दूँगी हल्का सा, आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। हल्का सा ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ से, इसको फिर खींचेंगे ताकि हमारा पफ का लुक आ जाए इस तरीके से। फिर से थोड़े थोड़े हेयर लेंगे और साथ में ट्विस्ट करते जाएंगे और फिर खींच लेंगे। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेयर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे कम लिया हुआ है, आप इतना ले लेना तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। ओके, हैवी जो ज्वेलरी है तो आप अगर आपकी साइड की लटे नहीं निकालोगे तो भी बहुत बेस्ट लगेगा, और अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो और उसको कलर से कर्ल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको बना लेना है। इसको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा ले रही हूँ क्योंकि पीछे मुझे पफ बनाना है। पीछे पफ बनाने के लिए आपको इतना हेयर लेना है दोनों हेयर के पास से, तो इस तरीके से हेयर ले लेना है। और हल्का सा ट्विस्ट करके आपको पफ का लुक देना है इस तरीके से। मैं यहाँ पे बॉबी क्लिप से इसको सेट कर रही हूँ, आप टिकटेक क्लिप जो आती है वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके, जिधर से आपकी परफेक्ट पफ बने आप उधर से ले लीजिएगा, मेरा इधर से अच्छा आता है तो मैं इधर से ले ले रही हूँ।
ठीक है। अभी आपको ये वाला हेयर ओपन कर लेना है और इसको पीछे ले जाके यहाँ पे पिनअप कर लेना है। यहाँ पे आपको अच्छे से पिनअप कर लेना है। अच्छा लगता है, थोड़ा सा कर ही लेती जा। ये रिंग्स नहीं जच रहा ना, ये वाला जच रहा है। तो ये मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। मैंने इस तरीके से पर्ल सेट कर लिया है जूड़ा पिन की मदद से यहाँ पे। तो आपको कैसी लगी हेयर स्टाइल जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और ट्राई जरूर कर लेना अगर आप भी करवा चौथ तीज का व्रत इस तरीके से रख रहे हो, छोटी नई नवेली दुल्हन है, छोटी मोटी पार्टी है, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। कुछ भी नहीं लगता इसमें, एकदम नेचुरल लुक है, ना मैंने ब्रुलेट लगाया है, ना आर्टिफिशियल पफ लगाई है, ना आर्टिफिशियल हेयर लगाई है। आपका जो भी नॉर्मल हेयर है, कम पतले बाल हैं, आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो और बहुत ही अच्छा और हैवी लुक दिख सकता है आपका। मैंने मेकअप कुछ नहीं किया, बस आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक लगा ली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, और जो भी आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और प्लीज़ इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टा आईडी है मेरी प्रीत तिवारी 24 से, तो इंस्टा पे भी मुझे जाके फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। और बाकी आप लोग ये हेयर स्टाइल कैसी लगी और बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बता देना, और ट्राई जरूर कर लीजिएगा। बाय।